और जानी कैसे है यार, किधर गायब है यार आप? भाई बस मैं इधर ही हूँ यार, आप आते हो गायब हो जाते हो। मैंने कहा आज आपसे मिले हैं और गाड़ी का रिव्यू करें। नहीं जानी, फिर चलते हैं ना, चल के हम जो है वो बनाते हैं रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। और आपको पता है कि पिछली बार मैंने इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये इसका नाम मार्कोर है और इसको हमने बड़े मतलब पिछली बार भी मैंने ट्राई की थी कि अच्छी सी वीडियो बन जाए, लेकिन उस टाइम बहुत लाइट की और टाइम की दोनों चीज़ों की कमी थी। बस रेहान भी दोबारा आए इस्लामाबाद, हमने कहा जरा इसका फुल टाइम ब्लॉग करना चाहिए। अब तो रैप भी कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपका प्रोजेक्ट? अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है, इंटीरियर के कुछ बिट्स एंड पीसेस बाकी हैं। तो अगेन हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, काफ़ी भाइयों को तक वीडियो नहीं पहुंची होगी, लेकिन हम अगेन शुरू करते हैं। बताएं भाई ये कौन सा मॉडल है और इसके बारे में सारा बताएं। 2021-22 मॉडल है, ठीक है, और सिग्मा डीजल वाला फॉर्च्यूनर है ये, टॉप ऑफ द लाइन जो होता है। सही। और ये पाकिस्तान का मैं प्राउडली कह सकता हूँ वन एंड ओनली है जो इस तरह का दिखने वाला है, क्योंकि यूजुअली ये गाड़ी जिस प्राइस ब्रैकेट पे पहुँच गई है, उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर जो लोग इसे बाय करते हैं वो यूजुअली इस तरीके की कभी नहीं करेंगे गाड़ी। क्योंकि ऑब्वियसली 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जो खरीद रहा है वो उसकी एज ज़्यादा होती है, हम जैसे यंग यूजुअली लोग जो हैं वो डाले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आपने पहले हाइलक्स भी किया था, रेवो? बिल्कुल, इससे पहले मैंने रेवो भी मॉडिफाई किया था। तो अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी फॉर्च्यूनर लेने की, तो हमने फॉर्च्यूनर लिया, तो हम उसको मॉडिफाई ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता। बेसिकली मैंने ज़्यादातर इस तरह की मॉडिफिकेशन इंडिया की वीडियोस में, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसी वीडियोस में देखी इन वीडियो। और अभी आपने इसके अंदर बम्पर्स चेंज किए हुए हैं, रैप उस टाइम नहीं हुआ था, आपने रैप भी कर लिया। बिल्कुल डिटेल से शुरू करता हूं। मेरी थी कि और भी भाइयों की थी ये रैप के ऊपर आर्मी ग्रीन। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो ये जो ग्रिल है क्रोम में आती है, ठीक है, हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं बम्पर की बात करूं तो ये ओरिजिनल हैमर का बम्पर है, ठीक है। इसकी ना थिकनेस से इसका अंदाजा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर आप इसको पकड़ेंगे ना तो आपको इसकी थिकनेस से अंदाजा होगा, ये बहुत मोटा है, बिल्कुल आपको बकायदा महसूस होगा। वरना लोकली भी बनते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर में कोई लगाता नहीं, ठीक है, फॉर्च्यूनर के लोकल ना बनते हैं। और आपने ये ग्रिल ब्लैक की पहले भी? सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना, ठीक है, ठीक है, ये क्रोम थी, इनको ब्लैक किया है, लोगो ब्लैक किया है हमने। अच्छा लोगो बहुत उठ रहा है, मैं वैसे मैं आपने उस टाइम कहा था ना कि इसको भी ब्लैक करूंगा, पता नहीं उस टाइम किया था कि नहीं, लेकिन मैंने कहा पता नहीं क्रोम वाला ब्लैक में क्या लगेगा, लेकिन ये रेड में था हैमर, इसको हमने ग्रीन रैप कर दिया। ठीक 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 है, इसे ये कैमोफ्लाज है, नीचे स्किड प्लेट है जो कि अंडर प्रोटेक्शन प्लेट कहलाती है, दिस वन, ये भी कैमोफ्लाज रैप है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये टो हुक्स है, ये लेजिट मेटल के टो हुक्स है, ठीक है, ये गाड़ी खींचने के काम आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये थोड़ा रगेड स्टाइल, ये देखें, तो ये गाड़ी चलते हुए तंग नहीं करते? नहीं 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 तंग करते। अच्छा, और ये इसके बारे में बताएं, ये काफी भाइयों को पता नहीं ना, मुझे भी सही तरह आइडिया नहीं था, लेकिन एंटीना आप लोगों से पता लगा, आपकी जो है ना रूफ से ऊंचा होना चाहिए एंटीना, ठीक है। उसका रीजन होता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे एंटर कर रहे हैं जहाँ पे आपकी रूफ टकरा सकती है, तो आपका एंटेना पहले ही टकरा जाएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा ऊंची है ना, एग्जैक्टली, तो आपको पता चल जाएगा आपने वहाँ पे गाड़ी एंटर नहीं, ठीक है। बेसिकली इसका मकसद एक वो भी है, दूसरा ये होता है कि यूएन की कार जो आप देखते हैं उनमें तो सिग्नल का वो जैमर का काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें अच्छा उसके अलावा दूसरा एंटेना आता है वो वायर्ड होता है, वो होता है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। जब आप कई सबर्ब्स में जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स नहीं है, ठीक है, और दो गाड़ियों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, एग्जैक्टली, वो वायरलेस सिस्टम होता है बेसिकली, ओके, गाड़ियाँ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उसे यूज़ करती है। फर्दर बताता चलूँ आपको तो इस गाड़ी में 20 इंच के व्हील्स हैं, ठीक है। यूजली जो कंपनी से आता है व्हील वो होता है 18 इंचेस का, ठीक है। टायर आता है वो होता है 265, ठीक है, 65R18, लेकिन इस गाड़ी में है 275, मतलब चौड़ाई टायर की 275 है, 55 प्रोफाइल है ये जो थिकनेस से, और 20R20 मतलब जो रेडियस है व्हील का, ठीक है, ये इतना लो है, मतलब आपको चलाने में कोई मसला तो नहीं होता, ये जब ऑफ रोडिंग भी आप करते नजर आ रहे हैं, तो नॉर्मल जो कंपनी से आती है वो 65 या 60 प्रोफाइल का टायर आता है, ठीक है, ये प्रोफाइल 55 है, तो वो खास ज्यादा फर्क नहीं है, उल्टा हमने व्हील का साइज और बड़ा कर दिया, ठीक है। अंदर कुछ रेड रेड चीजें भी, फर्दर चलूं सस्पेंशन की तरफ और आपको दिखाऊं, तो आप ये जैसे कि अपने देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म मौजूद है जो सिल्वर कलर का है, ठीक है, ठीक है? इसके साथ ये रिजर्वायर वाले शॉक्स है ना, ठीक है, मतलब समझ लें इसके अंदर एडजस्टेबिलिटी है, ठीक है, इसमें 8 स्टेजेस की एडजस्टेबिलिटी है, ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हैं डैम्पिंग, और डैम्पिंग क्या है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ना, अच्छा दोनों बाहर से वन स्टेप पे आप कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल 8 स्टेप्स है इसमें, ठीक है,
आप डैम्पिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, शॉक के साथ पाइप है, पाइप के साथ एक्स्ट्रा रिजर्वायर लगा हुआ है, रिजर्वायर में एक्स्ट्रा ऑयल और गैस है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसका ब्रांड नेम आपने बताया था, RS रेसिंग है। अच्छा, RS रेसिंग का सस्पेंशन है, और सिर्फ हाशमी वाले हैं कराची में, उनके पास अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, फ्रंट एंड बैक दोनों पे। और इसकी वारंटी है, ठीक है, 3 साल या 5 साल की वारंटी है, 30,000 किलोमीटर्स या फिर व्हाटएवर कम्स फर्स्ट। ओके, और ये चारों साइडों पे है, चारों शॉक्स हैं, ठीक है। तो ये कंफर्ट जो है ना, छोटा सा एक पूछना, ये एयर शॉक है या हाइड्रोलिक है? ये हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक है, ठीक है। और दूसरा, ये फ्रंट एंड बैक दोनों पे वर्क लगे हुए हैं, ठीक है। इनका काम है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्ट ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस आप किसी भी ट्रेन पे जा रहे हैं, ठीक है, वो ऑफ रोडिंग ट्रेन रॉकी है, वो मडी है, वो सैंड है, या आपने रोड पे चलानी है, आप अपने हिसाब से स्विच घुमा के अपने सस्पेंशन की सेटिंग कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी मॉड है जो मैंने की है। और अगर मैं अलोन इस सस्पेंशन सिस्टम की बात करूं, कंट्रोल आर्म, चारों शॉक्स, कुछ बुशिंग्स हैं, ये सब मिला के आप समझ लें 10 लाख रुपए का सस्पेंशन। ओह नाइस यार, ठीक है, 10 लाख रुपए का आपने इसके ऊपर किया। और रिम्स की कॉस्ट क्या है? रिम और टायर का सेट 5.5 लाख रुपए का, 5.5 लाख रुपए मतलब नॉट बैड, मैं समझा था कुछ ज्यादा ही होगा, और दिखने में बहुत प्रीमियम लगते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है भी यूएस का ब्रांड है? यूएस का ब्रांड है, चाइनीज नहीं है, चाइनीज नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक थाईलैंड या मलेशिया है। सही सही। और अगर मैं फर्दर पीछे आऊं, इसमें HKS का कैटबैक एग्जॉस्ट है। इस गाड़ी में कोई भी जुगाड़ू काम मैंने करने से परहेज किया है, इसका तो ब्रांडेड है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, मैंने यकीन नहीं किया, पूरा एक बॉक्स प्रॉपर मतलब हर चीज HKS की आई थी, और ये पूरा टॉप टू बॉटम HKS है, जेन्युइन है। इसकी आवाज बहुत ही प्यारी है, अभी कोई एक आधा फ्लाई बाय की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो आप जरूर डालिएगा यहाँ पे, तो आवाज अमेजिंग है टोटल। ठीक है, जितना एक्सेंट है वो हमने ब्लैक आउट कर दिया है, बैक साइड फॉर्च्यूनर का भी पियानो ब्लैक में कर दिया है। हाँ, ये लोगो भी, ये 2.8 भी, गाड़ी का नाम मारखोर है, तो मारखोर की प्लेट मौजूद है। गाड़ी 2 टोन में रैप्ड है, नीचे स्पॉइलर ये जेन्युइन है जो कंपनी से आता है, कंपनी से आता है। गाड़ी 2 टोन में रैप्ड है, नीचे जो है वो आर्मी ग्रीन है, रैप भी टॉप नॉच है, टेक रैप का रैप है, ठीक है, और ऊपर ग्लॉसी ब्लैक है, नीचे आर्मी ग्रीन है, ठीक ठीक। सो इंजन में आपने कोई किया? इंजन में मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बस एग्जॉस्ट है, अभी फ्यूचर में शायद ट्यून करूं। मेरा कार्बन फाइबर स्टीयरिंग बनने के लिए गया हुआ है, आपकी वीडियो में रिवील कर देता हूं, मैंने बनवाया है फोर्ज कार्बन फाइबर स्टीयरिंग विद गोल्ड एक्सेंट, जबरदस्त, ठीक है। ये तो देखना बनेगा भाई, मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप जाके जरूर देख सकते हैं, ये इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह करते रहते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज, हम लोग जो है राइट नाउ एक बजट ड्रिफ्ट कार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 7 लाख का बजट हमारी ऑडियंस ने, मेरी ऑडियंस ने मुझे दिया है। 7 लाख के अंदर अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट कार बनानी है, उसके अंदर ऑलरेडी इंजन स्वैप हुआ है, 3AG बीम्स मैनुअल, ये K70, ठीक है, और 6-pack क्लच वगैरह भी डला हुआ है, वेरी नाइस प्रोजेक्ट। 7 लाख रुपए में करके बेसिक मकसद है लोगों को दिखाना कि किया जा सकता है। एग्जैक्टली, तो अब यही सीन है। और अभी इंटीरियर की तरफ चलते हैं बॉयज, अब बाकी आउटलुक तो आपको हमने सारी दिखा दी है, इंजन इसका स्टॉक है, बाकी साथ रहिएगा। रेहान भी इंटीरियर के बारे में बताएं जी। अच्छा, इंटीरियर में राइट नाउ कार्बन फाइबर स्टीयरिंग इज कमिंग एज आई टोल्ड यू। यस, गाड़ी में ऑक्स की जो है ना प्रीमियम सीरीज वाली LED वो एम्बिएंट लाइटिंग लगी हुई है, एंड्रॉइड LCD है, ठीक है। मैं साउंड सिस्टम का बड़ा शौकीन इंसान हूँ। अच्छा, तो अब मैं साउंड सिस्टम डिटेल में बताता हूँ आपको, ठीक है। फ्रंट पे मेरे पास Alpine के कंपोनेंट है क्रॉसओवर्स के साथ, नाइस यार। पीछे मेरे पास अमेरिकन रॉकफोर्ड फॉसगेट के मिडवेज है कंपोनेंट्स, कॉक्सियल, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पीछे वाले दरवाजे में, ठीक है। और सबसे पीछे हमारे पास कैनवुड का 30-10 सबवूफर है, बड़ा मशहूर है जमाने यहाँ पे, ओरिजिनल 110% मेरे पास 10 साल से सबवूफर ना। अच्छा, उसमें कॉपीज भी बहुत आ गई हैं, 3,000-5,000 मिल जाती है। हाँ, मैंने 10 साल पहले वो लिया था। अच्छा, 10-12 साल पहले, तो वो एक्स करोला होती थी उस टाइम पे उसके लिए। इसके बाद वो मेरे पास, मैं अपनी चीजें बड़ी संभाल के रखता हूँ, ठीक है, घर में संभाल के रखा हुआ था। फिर एक बार पुरानी फॉर्च्यूनर में यूज किया फॉर सम मंथ, फिर निकाल दिया और फिर अब उसमें लगा दिया। साथ में जो हमारे पास एम्प है वो कैनवुड का ही 4-channel एम्प है हमारे पास, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये सीन है कि अभी आपने मतलब LEDs पे ज्यादा वर्क किया अंदर। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी ऑरेंज इंटीरियर था, उससे मैचिंग में हमने ये ऑरेंज कस्टम मैट्स बनवाए हैं, ठीक है। वो मैं बीरोल्स लगा दूंगा ऊपर, बड़े जबरदस्त है मैट्स हैं इसके ऊपर, मारखोर बना हुआ है, बिल्कुल मारखोर बना हुआ है, क्योंकि गाड़ी का नाम मारखोर है। ठीक है, हमने एक आर्ट वर्क ढूंढा और उस आर्ट वर्क को मैट के अंदर इंटीग्रेट किया, ठीक है। और इंटीग्रेट करने के बाद हमने आपका वो जो मैट्स है वो हमने बनाए हैं। वॉइस में आपको क्लोजली दिखा देता हूँ, ये काफ़ी चीज़ें हैं और ये मैट है, वेरी नाइस यार।
तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो गाड़ी को एक इनहेंस कर देती हैं, एक बड़ा अच्छा सा लुक दे देती हैं, प्रीमियम लुक दे देती हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टेयरिंग आ जाएगा, स्टेयरिंग के बाद इंटीरियर में हमारे पास एक ही चीज़ रह जाएगी, वो है स्टार लाइट्स। ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो जब भी बैठती है छोटी सी है, पिद्दी सी। अच्छा, वो आपने किस गाड़ी के अंदर किया था? हाइलक्स में किया था जी, रिवो में किया था, वो मैंने किया था। उसके बाद इतना मशहूर हो गया माशाल्लाह, इतना मशहूर हो गया है तो ऑक्स वालों के पास ही होता है। इत्तेफाक ऐसे है, मैं दो बार जब आया हूँ उनको कॉल किया, उन्होंने कहा वी आर आउट ऑफ स्टॉक। वो ऐसे बिक रहा है, वो कोई 60,000-50,000 कॉस्ट करता है। अगर आप वो सिर्फ एलईडी खरीदे वो कितने की है? ये तो मुझे नहीं पता, शायद ईबी से सस्ती है। असल में उसका सारा स्किल वर्क ही लगाना है। अच्छा, वो ऑक्स वाली लगा के देते हैं आप? ऑक्स वाली लगा के देते हैं, और उनकी सफाई इतनी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कंपनी से लगी हुई है। वो मैं पिछली वीडियोस में देखा था, उन्होंने पूरा उसको अलाइन किया था। वो जब आप ऐप से उसको ऑपरेट करते थे वहां पे डिजाइन बनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, शूटिंग स्टार्स होते हैं उसके अंदर, और आप अपने 16 मिलियन कलर का सर्कल है जिसमें से आप कलर और शेड चूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे तो व्हाइट में ही पसंद है। ठीक है, वो बिल्कुल रोल्स रॉयस वाला लुक देता है। Nice. फिर एक प्रीमियम गाड़ी है हमारे पाकिस्तान के लिए, तो प्रीमियम गाड़ी ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। और आप देखें ना एसयूवी की, अगर आप सेक्शन देखें, ब्रांड न्यू एसयूवी फॉर्च्यूनर के अलावा आपको कोई मिलती नहीं है। ठीक है, फुल साइज एसयूवी जिसके अंदर 4x4 हो। प्लस मैंने अभी रिसेंटली इस गाड़ी को डिफरेंट ट्रेन पे यूज किया, मडी ट्रेन पे यूज किया, और इसका डिफलॉक, इसका LSD, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्थ इट। मतलब इट्स अ फुल टाइम एसयूवी। ठीक है, वो करोला मिट्टी में फंस गई थी, वो ये भी ना, साथ मैं तो नहीं पता, मैं आपको मैं आपको बताता हूँ पूरा सिनेरियो बताता हूँ। व्हाट वाज द सिनेरियो? बेसिकली हम लोगों ने जाना था, हमारे कुछ दोस्त हैं वो जा रहे थे, ये क्या बोलते हैं, एक बीच है बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ पे रैली का ट्रैक बना है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गडानी बीच। तो वहाँ पे उन्होंने कहा हम लोग थोड़ा सा ना रैली ट्रैक के ऊपर ऐसी रैकी करेंगे, ठीक है, और बीच पे हम लोग थोड़ी सी सफरी करेंगे। एंड टाइम उनका प्लान कैंसिल हो गया, तो मैं बॉयज के साथ निकल गया था रेडी होके। तो हम लोग चले गए हॉक्सबे बीच, वहाँ पे करोला वाला 1 बजे से स्टक हुआ हुआ था मिट्टी में। ठीक है, आखिर में उसकी गाड़ी जाके स्टक हो गई बिल्कुल साहिल समंदर के ऊपर, और इट वाज लाइक हाफ आवर में पानी अपने साथ, क्योंकि क्या होता है समंदर का पानी बार बार आगे लगता है, तो वो लेके जाता है, लहर आती है, वो मिट्टी लेके जाता है, तो मिट्टी के साथ जो चीज होती है उसको भी खींच के लेके जाता है। अच्छा, तो वो विद टाइम पानी आगे आता है, उसकी गाड़ी अगले 2-3 घंटे में पानी के अंदर होती है पूरी सबमर्ज। उसकी ग्रैंडी थी वो भी। अच्छा, ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं कोई पुरानी गाड़ी है, ग्रैंडी थी। तो वो आया, वो भी फैन भाई, वो फैन थे। उन्होंने कहा यार रेहान भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, नो वन इज हेल्पिंग मी, प्लीज आप मेरी मदद कर दें। हमें रस्सी नहीं मिल रही थी, तो हमने टायर लगाया और हैमर बम्पर से धक्का देके उसकी गाड़ी निकाली। अच्छा, पुश किया, पुश किया, उसकी डिग्गी विग्गी खराब हो गई उसमें। अच्छा, हमें कुछ नहीं हुआ, सही है, हमारे यहाँ हैमर बम्पर की हल्की से लैंडिंग आउट हुई। बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पे उसने ये बात समझी और मैंने भी समझाई, मैंने कहा अभी छोटा नुकसान तुम्हारा 12-15 हज़ार रुपए का, पूरी गाड़ी जाने से बेहतर है, गाड़ी जाने से बेहतर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर क्रेने आएंगी, उससे चीजें निकलेंगी। जी जी, उसने बात समझी, हमने उसकी गाड़ी निकाली, फिर आगे लगे, फिर मिट्टी में फंस गई। इवन क्रेन भी है, वो भी 40,000 तो उसने भी ले लेने थे। फिर क्या हुआ कि आगे जाके वो फिर फंस गए भाई। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब कम से कम ना वो पानी वाले खतरे से निकल गए थे। मैंने कहा अच्छा मैं अब कॉल करता हूँ रिकवरी वाले को, बुला देता हूँ, आपको निकाल के ले जाएगा। ठीक है, रिकवरी वाला वो मेरा जानने वाला था, उसने कहा भाई आप क्या बात कर रहे हो, मेरी रिकवरी भी फंस जाएगी। अच्छा, उसने कहा आपके पास तो फॉर्च्यूनर है। अच्छा, वो तो है, कह रहा है 4x4 गाड़ी निकालेगी इसको। तो मैंने पहली बार जिंदगी में इस गाड़ी को मैंने L4 में डाला। ठीक है, मैंने ट्रैक्शन ऑफ की, मैंने डिफलॉक किया। ठीक है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर मैंने गाड़ी को डाला अपनी। ठीक है, और डाल के मैंने इस गाड़ी से उस गाड़ी को मिट्टी से खींच खींच के निकाला। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था ऑफ रोड का ना मिट्टी का, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक बारी भी मेरी गाड़ी, एक बारी भी एक सेकेंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मेरी गाड़ी फंसी हो। अच्छा, मतलब कि ये जो प्राइस तो चले छोड़े, लेकिन फॉर्च्यूनर वर्थ इट। वर्थ इट भाई। ठीक है, द पावर, द ऑप्शन, स्पेशली ये सब डाउनहिल असिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपका वो 4x4 सिस्टम तो होता ही है। ठीक है, DAC है, डाउनहिल असिस्ट है। ठीक है, ठीक है, आपके पास ये डिफलॉक आ गया, इसके अंदर LSD डिफरेंशियल है कंपनी से। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब वर्थ इट है। पावर फिगर्स बहुत अच्छी हैं, 500 या 550 न्यूटन मीटर टॉर्क है गाड़ी की, और 201 हॉर्स पावर है। ठीक है, तो ये इन्हीं जगहों पे काम आती हैं ये फिर ये चीजें। तो फॉर अ डेली ड्राइवेबल कार, अभी भी देखें 9.4 का माइलेज आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन मुझे इस्लामाबाद में रफली 10-11 दे देती है, कराची शहर में 8-10 दे देती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। गाड़ी का कुछ रहा तो नहीं हमने जो ना आपको बताया, बाकी ये कि भाई ने एंड पे डिटेल आपको बताई कि काफ़ी लोग नहीं सुनते, लेकिन जो सुन लेंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और एक स्टोरी भी अच्छी। हाँ, तो ये सीन है।
बाकी हमने सब कुछ कवर किए। मैंने कहा यार गाड़ी का मजाक दिखा दिखा के आपको तंग किया हुआ है, तो ये सीन है कि हम आपको थोड़ा सा रिव्यूज की तरफ लेके जाएं। और मेरा पर्टिकुलर रीजन ऐसी चीजें बताने का ये होता है कि हम लोगों का आज के जमाने में हम लोग मुंह से बोलते हैं लेकिन हमारे अपने अल्लाह के ऊपर यकीन बहुत जो है ना वो कम होता जा रहा है। तो बात यह है कि आप ये देखें मैं कहां के लिए निकला था और मैं कहां एंड अप हुआ, ये मेरे अल्लाह पाक ने मुझे वहां पे पहुंचाया कि उसकी मैं मदद कर पाऊं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये है हमारा अपने अल्लाह पाक के ऊपर यकीन। ये यकीन मैं चाहता हूं कि आपकी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस और हम सब जितने भी हैं वो सब कायम करें और इसको पक्का करें। एग्जैक्टली, हम लोगों की भी जिंदगी में आसानी होगी और दूसरों की जिंदगी में भी हम आसानी पैदा कर सकें। सही सही। तो रियान भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने एंड पे बात बड़े मजे की दिल को लगी। और भाइयों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक, क्योंकि लाइक करना तो बहुत जरूरी है भाई। हाँ। और जो सिनेमैटिक्स है वो एंड लेवल है ना, इंशाल्लाह आपको पसंद आए होंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं, इब्रार मुगल मेरा, आप बता रहे डॉट जेपैक बॉय, बस आपने जाकर जरूर करना। और इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट न्यू कार्स के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। मैं ओल्ड कार्स के कर रहा हूँ लेकिन मैं भी न्यू के कार्स के करता हूँ, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये इसलिए डाला है रिव्यू कि आपको पता लगे कि भाई सिर्फ वर्कशॉपों में नहीं फिरते, कोई अच्छी रिव्यूज भी हम करते हैं। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।